Welcome back again, guys. In a stretch, third video regarding courses and institutes. Now, थोड़ा हटते हैं केबिन के कोर्स से, बात करते हैं जनरली कोर्स के बारे में कि कोर्स जरूरी है कि नहीं, कोर्स जरूरी है कि नहीं, डायरेक्टली जा सकते एंड ऑल दैट. एनी कोर्स, एनी इंडस्ट्री, कोर्स जरूरी है कि नहीं, ठीक है ना. तो आपको कुछ पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ. एक सिचुएशन में दे रहा हूँ गाइज, कि अगर आपको लगता है मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मेरा इंग्लिश अच्छी है, मुझे कहीं कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, लेट मी जस्ट गो टू द एयरलाइन और एनी कंपनी एंड अपीयर फॉर द इंटरव्यूज, तो गाइज फिर तो आप क्या कहते हैं उसको, कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सिर्फ इंग्लिश या कम्युनिकेशन को, और आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं अदर बाकी चीज़ों को. फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, एक बंदा है जिसने बहुत सारा इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, एक्सीलेंट इंग्लिश है, इतनी अच्छी इंग्लिश है कि उसमें कोई नुक्स निकाल नहीं सकता, ग्रामर भी परफेक्ट है, कोई इशू नहीं हो सकता है, और बेहतरीन बात कर सकता है, और उसने एकेडमिक्स में उसने 12th 15th ग्रेजुएशन कर लिया है, और वो इंटरव्यू के लिए जाता है. तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक बंदा जिसकी इंग्लिश एक्सीलेंट है और ग्रामेटिकली सही है और उसने ग्रेजुएशन किया है, तो क्या वो इंटरव्यू डायरेक्टली जा सकता है कैबिन के लिए? हाँ जा सकता है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये बंदा जो है ना, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं हुआ? एक बंदा जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी, यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल मिस्टेक ग्रामेटिकली, एंड इज ग्रेजुएट एकेडमिकली, वेल एजुकेटेड, तो क्या लगता है आपको क्यों उसका सिलेक्शन नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूँ वो, इसलिए जस्ट नाउ चेंज द सिचुएशन. इमेजिन करिए कि ये सीन जो है ना, ये सिचुएशन, कि एक बंदा जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ग्रामेटिकली नो मिस्टेक एंड वेल एजुकेटेड, ही वेंट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ही और शी डिडंट गेट सिलेक्टेड. नाउ दिस सिचुएशन हैपेंड, लेट्स से इट हैपेंड इन यूनाइटेड किंगडम, यूके में हुआ ये, तो वहाँ पे तो अक्सर लोगों की इंग्लिश अच्छी होती और एजुकेट जो है उसकी तो होती ही, फिर उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो आप माइंड चलेगा आपका, कहेंगे अच्छा उसके आंसर्स गलत होंगे, उसका कम्युनिकेशन सही नहीं होगा. तो हाँ भाई, सिर्फ इंग्लिश भी नहीं होता है, कम्युनिकेशन अलग चीज़ है, इंग्लिश अलग चीज़ है, राइट. तो ये सिखाते हैं इंस्टीट्यूट वाले, कोर्स कोई भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, और सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाते, इंग्लिश भी करेक्ट करते हैं. तो जिनकी इंग्लिश सही नहीं है, या सही भी हो, कम्युनिकेशन सही नहीं है, अब ये आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए मैंने फाइनल इंटरव्यू किया है. कम्युनिकेशन अलग चीज़ है, लैंग्वेज अलग चीज़ है, एंड देन द नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री दैट यू वॉन्ट टू एंटर. सो इंग्लिश, कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्ट नॉलेज,